तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स किन टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे और कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। एक फाइल बना ली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, दूसरी मैं बनाऊंगा एक्स डॉट जेएस। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स रखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ठीक है, अब लिंक करना होता है, हम बॉडी के बिल्कुल ही नीचे लिखते हैं स्क्रिप्ट। अगर तुमने काम करना है जावास्क्रिप्ट का तो इसके अंदर भी कर सकते हो, अगर अलग फाइल बनाई है तो कनेक्ट कैसे करोगे, SRC करके जो इसका नाम है Restore.js। ठीक है, अब इसमें मैं सारा काम इसमें करूँगा लेकिन दिखेगा किस पे, HTML किस पे दिखेगा, इंडेक्स पे। तो मैं सारा काम किस पे है, इस पे ही Index.js वाली पे। तो हम पढ़ेंगे पहले ऑपरेटर्स, कौन से होते हैं वो देखेंगे। पहला हो गया अरिथमेटिक, जिसमें क्या क्या आता है, प्लस आ गया, माइनस आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, और इसमें या तो डबल मल्टीप्लिकेशन, इससे क्या होता है पावर आ जाती है। जैसे मैंने टू डबल स्टार लगाया मतलब मल्टीप्लिकेशन लगाया, अगर मैंने फाइव लिखा है इसका मतलब टू के पावर फाइव, वो कैलकुलेट करके देखेगा। बाकी मेन तो यही है प्लस माइनस जो है, बाकी और भी आते हैं वो देखेंगे। अब उसके बाद आता है असाइनमेंट, इसमें कौन कौन से आते हैं, असाइनमेंट में आता है इक्वल टू सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है अपना अरिथमेटिक असाइनमेंट, ठीक है, इसमें अपना आता है प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, प्लस आ गया माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और इसमें आएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, ये आते हैं इसमें। अब एक आता है कंडीशनल बोलो या फिर कंडीशनल बोलो या फिर रिलेशनल बोलो, ये सारे ऑपरेटर हैं। इसमें कौन सा आता है, इसमें आते हैं लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें एक आया डबल इक्वल टू आ सकता है, ट्रिपल इक्वल टू भी आ सकता है इसमें, और फिर आते हैं इसमें आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या आता है, अपना आता है इसमें एंड, जिसको लिखा जाता है ऐसे वो आता है, और जिसको लिखा जाता है, ठीक है, और इसमें आता है नोट, नोट को लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक वाले, इसका थोड़ा साइज मोबाइल में देखने में दिक्कत होता है इसका, इतना ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो मैंने जैसे बताया है वेर क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, लेट ले लेते हैं, जो मर्जी तुम लेना चाहो ले सकते हो। ए मैंने दिया मान लो 20 वैल्यू दे दी ए, अब मैंने यहाँ पे बना दिया बी, बी का इक्वल टू लिख दिया 40। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनको प्लस करना है, वो अब तुम नहीं लिखो कॉन्स्टेंट तो ये वेरिएबल नॉर्मल वेर लेगा। ठीक है, मैं नॉर्मल बी लिखा, ये इसी वाली चेंज हो सकती है, उसकी ऊपर वाली वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, क्योंकि जो नाम इसको दे दिया एक बार वैल्यू उसमें आ गई वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। अब मेरे को इनको प्लस करना है, या तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, या तो मैं ऐसे करूँ कि एक मैं वेरिएबल वो लेता हूँ सी में, उसमें लिख देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, सी में स्टोर हो गए। अब जब मेरे को इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, मेरे को क्या प्रिंट करना है, सी, सी में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अब मैं इसको खोलूंगा, जब ओपन करके देखूंगा इसमें इसका सम आ गया होगा, ठीक है, देखो सम आ गया ना इसमें। अगर मैं माइनस करूं ए माइनस बी करूं
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आया माइनस 20। क्यों आया? क्योंकि 40 जो है, बी का साइन क्या है? माइनस। बी कितना है? 40। बड़ी टर्म का जब साइन होता है उससे जब छोटी टर्म माइनस होगी तो साइन किसका चेक करेंगे हम? जो वर्ड बड़ी टर्म है उसका। और डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कैसे करना? स्लैश लगा दिया, डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे? स्टार लगा दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया। अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार लगाता हूँ तो इसका मतलब पावर हो जाती हो, तो मतलब क्या हुआ? 20 की पावर 40। देखो कितना आ रहा है, इतना लंबा आ रहा है। प्लस ई का मतलब 10 × 52 पावर जो भी है, ठीक है। अब अपना आता है दूसरा असाइनमेंट, जो तुम ये असाइन कर रहे हो पहले बी को 40 लिख रहे हो, यही असाइनमेंट है। तुम इसको अब अगला वाला करते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट, जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसको हाइड कर देना। अर्थमेटिक असाइनमेंट मतलब दोनों चीज़ें इक्वल टू भी आएगा, प्लस या माइनस जो भी है वो भी आएगा। मैंने अभी लिख दिया इस पर, मान लो ए की वैल्यू दे दी मैंने 50, ठीक है। बी की वैल्यू दे दी 60, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब ये है। तो इसका आंसर अभी क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाया। मतलब आउटपुट के लिए क्या लिखना जरूरी है इसमें? डोमेन डॉट का। जब तक मैं ये नहीं लिखो तब तक प्रिंट नहीं होगा ये। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब क्या? ए इक्वल टू ये है, ए की वैल्यू कितनी है? 110। क्यों आई? 50 और 60 कितने होते हैं? 110 ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ए इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो इसका मतलब हुआ ए माइनस वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? ए पे स्टोर हो रही है, ठीक है। अब ये सारे ऐसे माइनस डिवाइड जो भी लिखा है ऐसे लिख सकते हो। अगला क्या है अपने पास है? कंडीशनल। मतलब कोई कंडीशन है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, वो चेक करने के लिए कंडीशन आती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए जो है अपना 40 है, ठीक है। मैंने बी लिख दिया इसमें 60 है। अब मैं इसको कंडीशन दूंगा कोई भी, जैसे मान लो मैंने सी लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना होगा, जब प्रिंट नहीं आओ तब तक तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो वेन डॉट राइट लिखा, ब्रैकेट लिखा। अब मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए? सी की चाहिए, ताकि ये बता दे दोनों में से बड़ा कौन है। सी लिखा मैंने, बंद करा, फॉल्स आया। तो इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है बी से? नहीं है, तो फॉल्स आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेस देन, लेस देन मतलब कम है इससे। ट्रू पे कुछ नहीं आया, ट्रू पे शो नहीं करता ये, ठीक है। ट्रू होगा तो शो नहीं करेगा, पीएचपी में शो कर देता दोनों, ट्रू और फॉल्स। जब ट्रू होगा तो शो नहीं करेगा, फॉल्स होगा तो शो कर देगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दोनों को कर दिया इक्वल टू। अब देखो ये पहले चेक करेगा ए छोटा है बी से, छोटा तो है नहीं, तो क्या है? दूसरी कंडीशन में जाएगा इक्वल टू। क्या ये इसके इक्वल टू है? हाँ है। इसे प्रिंट नहीं करा, इसका मतलब क्या है? ट्रू है। कुछ प्रिंट नहीं करा, ट्रू है। अब मैं इसको ग्रेटर एन कर देता हूँ तो भी कुछ नहीं आया, क्योंकि इक्वल टू रियली ग्रेटर एन फुलफिल नहीं हो रही, दूसरी फुलफिल हो रही इक्वल टू वाली। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, नहीं आया, इसका मतलब ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी ट्रू हो जा रही है। क्यों जा रही है? ग्रेटर है ए, ए जो है ना बड़ा है, इसका मतलब ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ, जब एक मिनट, अब भी ट्रू हो गया क्या? इसमें है ए जो है 40 है, बी है 4, इसको ग्रेटर नहीं करते हैं। ए जो बड़ा है बी से, सही बात है। अब देखते हैं, मान लो 400 लिख दिया, ए बड़ा है बी से, इक्वल टू है, लेकिन फोर्स में शो नहीं क्यों नहीं रखा? कहाँ जा रहा है ये? अरे अब आया, रिलोड में टाइम ले रहा है ये थोड़ा, ठीक है। तो जो फोल्स होगी उसमें फोल्स प्रिंट हो जाएगा, जो ट्रू होगी तो उसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ऐसी ही थी। अब देखो इक्वल टू वाला सीन क्या है, ये डबल इक्वल टू, ये वाले कहाँ गए? ये रहे, डबल इक्वल टू वाला क्या सीन है? मतलब दोनों आपस में इक्वल टू है उसको चेक करने के लिए। अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगाता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू बी, इसका मतलब कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी, ठीक है। लेकिन मेरे को कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। दोनों इक्वल नहीं है, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैंने दोनों की वैल्यू सेम रख दी तो ट्रू आएगा। एक मिनट, दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। जब इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने अगर तीसरा इक्वल टू लगा दिया तो क्या करेगा ये? तो भी ट्रू देगा। लेकिन इस ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब है? अगर मान लो स्ट्रिंग मैंने बताया था, कोट्स में लिखते हैं ना, कोट्स में लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? नंबर है। तो दोनों आपस में इक्वल टू है, मतलब बाई वैल्यू, बाई वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल टू, लेकिन कीवर्ड जो है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आया?
क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है और ये नंबर है। लेकिन मैं अगर सिंगल डबल इक्वल टू लगा दूँ सिंपल, तो इसमें क्या हुआ, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि ये बस अंदर की चीज़ें देख रहा है। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में क्या देखता है, ये सी टाइप भी देखता है कि दोनों सेम टाइप है, दोनों नंबर है या स्ट्रिंग है, तो वो आया। ठीक है, और ये ट्रू और फॉल्स, पीएचपी में ट्रू नहीं आता, इसमें क्या पता एरर थी क्या था, नहीं चल रहा था। अब अगला अपना आएगा लॉजिकल, एंड और नोट। तो मैंने इसमें बताया था तुम्हें क्या होता है, तो मैं लिख दिया ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 50। अब मैंने इसमें सी बना दिया, सी नहीं सी, हाँ चलो सी बना दिया, इसमें लिख दिया 60। ठीक है, अब मैं इस पर लिखूँगा डी, मैंने एक बना दिया ए जो है बड़ा है बी से, एंड और जो बी है बी बड़ा है सी से। ठीक है, अगर ये सही हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं डी को प्रिंट करूंगा। अब देखो इसमें चेक करो पहले, ए जो बड़ा है बी से, ए जो है बी से बड़ा है, नहीं है, एक तो फॉल्स होगी। अब दूसरी दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स में तो फॉल्स ही आ रहा है, इसमें प्रिंट ये फॉल्स ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ इसमें मतलब ए बी बड़ा है, ये सही है, पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी क्या है फॉल्स है, इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तब अब आएगा इसमें ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है, भाई क्या होगा ये, तो ये क्या करेगा, फॉल्स ही देगा। इसमें ये होता है कि अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगी, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगी। लेकिन ट्रू कब आएगी, जब दोनों वैल्यू इसमें ट्रू है। लेकिन और में क्या है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है, इसमें ट्रू आ जाता है। देखो अभी ये वाली सही है, ये वाली गलत है, इसमें ट्रू भी ट्रू आ जाएगा। इसमें क्या है, सिंगल वैल्यू पे अगर ट्रू होगी तो ट्रू आंसर आएगा, और उसमें दो बार फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अगर दो बार ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। लेकिन इसमें एक ज़्यादा ये है कि एक भी ट्रू हो जाए तो चल जाएगा काम, ट्रू हो जाएगा। अब नोट में क्या है कि अगर देखो मैं इसमें लिख देता हूँ ए और बी को मैं सेम कर देता हूँ 40-40। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए इक्वल टू 40 अगर लिखा, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, ए इक्वल टू 40, ए इक्वल टू इसके इक्वल टू करना है वो बी के, तो ए इक्वल टू बी ट्रू सही है। लेकिन जब नोट लगा देंगे इस पर तो क्या हुआ, ट्रू का क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। नोट का मतलब यही है कि ट्रू हो तो फॉल्स कर दे, फॉल्स हो ट्रू कर दे, नोट का ये मतलब है। बाकी हम देखेंगे अब इफ एल्स, जो बंद कर दिया, इफ एल्स। तो इफ जैसे मैंने अगर ए की वैल्यू दे दी 30, ठीक है, इफ का मतलब अगर, मैं इसमें कंडीशन बना रहा, अगर एक ए जो है इक्वल टू 30 है तो क्या लिख के आ जाए इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिखा हुआ आ जाए कि कुछ भी लिख सकते हो, तुम अंदर स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा तो ही तुम कुछ अंदर लिख सकते हो। मान लो ए इज ग्रेटर, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, अगर मैंने ये लिख, इफ मतलब अगर ये इक्वल टू हो जाए 30 के, मतलब जो वैल्यू दी है उसके अगर इक्वल टू हो जाए तो प्रिंट हो जाए ये, अगर ना हो तो इसमें आती है एल्स, अगर ना हो तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए कि ये बड़ा नहीं है अभी जो भी है। ठीक है, मतलब इसमें दो कंडीशन बन गई, अगर तुम देखो पहली 30 है तो यहाँ पे जंप करेगा, चेक करेगा 30 है तो अंदर जाएगा, नहीं है तो यहाँ से बाहर निकल आएगा, यहाँ से कहाँ चल जाएगा, एल्स पे, एल्स पे जो भी लिखा वो प्रिंट कर देगा। पहले क्या है, ए इज ग्रेटर जो भी है लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 70, तो अगर ए जो है 30 अगर 70 है तो ये अंदर जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे दूसरे पे जा रहा है। तो वैसे ही हम कुछ दो कंडीशन बना देते हैं, जैसे ए लिखा है यहाँ पे बी बना देते हैं, बी 50 लिख दिया। ठीक है, अगर ए जो है मान लो बड़ा है बी से तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ए इज ग्रेटर, तो यहाँ अगर ना हो तो कहाँ जाए, नोट वाले में चला जाए। तो देखो ए इज नोट ग्रेटर, देखो सच में नहीं है बड़ा, अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बता देगा ए इज ग्रेटर, ये है तुम्हारा इफ एल्स वाला। ठीक है, अब इसमें और भी नेस्टेड इफ एल्स आते हैं, इसमें तुम एंड भी लगा सकते हो भाई। अब कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, यस सिंपल था तुम्हारा, इफ एल्स था, ठीक है, इसको देता हूँ हाइट,
हम करेंगे जैसे अगर कोई बंदा ना कोई वैल्यू अगर डाल, जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 1 डाल दिया, ठीक है। अब कोई डाले कि अगर ए अपना कोई बंदा मतलब डाल रहा है, मान लो वैल्यू डाल रहा है 1, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए अगर 1 डाले कोई, तो उसमें आ जाए कि आज संडे, मान लो या मंडे, कुछ भी लिख सकते हो तुम। डॉक्यूमेंट राइट क्या हो जाए, पहले इसमें आ जाए कि टुडे इज मंडे, ठीक है। अब देखो मल्टीपल, अब मेरे को कंडीशन चाहिए मल्टीपल, ए इक्वल टू 1 लिखते हैं, 2 भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आता है इसमें एल्स इफ आता है, एल्स इफ आएगा साथ में, ठीक है। इसमें कंडीशन लिखने के लिए एल्स इफ आएगा, देखो नॉर्मल एल्स लिखते थे, कोई बीच में कोई कंडीशन वगैरह नहीं आती, लेकिन जब तुमने फिर से कंडीशन देनी है तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जब 2 हो जाए, तो 2 हो जाए तब क्या लिखा है, ट्यूजडे लिखा हुआ है, पेस्ट करा, टुडे इज ट्यूजडे, ठीक है। इसको बंद करना नहीं बोलना, वैसे ये अलो कर देता है वैसे, पर यूज स्ट्रिक मोड जब लगाओगे तब नहीं चलेगा ये। इफ एल्स में कर दिया, 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ, देखो इसमें 2 था, इसमें मैं कर देता हूँ 3। अब बाबा लिखने की जरूरत नहीं, जितनी कंडीशन आई उतनी बार, ठीक है। अब मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, 2 ईयर क्या आ जाए 4 आ जाएगा, और ट्यूजडे थर्सडे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए, टू डेज ट्यूजडे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 5, और यहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे। अब इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, सैटरडे, अब आएगा संडे, छुट्टी वाला दिन, ठीक है। देखो ये तो हो गया अपने केस, 7 केस हो गया, अगर 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, 4 डाला है, 5 डाला है, अगर कोई पर्सन है जिसने इससे अलावा भी कुछ डाल दिया तो उसके बनेगा एल्स। अगर मान लो इनमें से कोई भी अलग चीज डाली किसी ने, तो क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें 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 लिखा जाए इनवैलिड या कुछ भी लिखा जाए कि मतलब कुछ जो वैल्यू है ही नहीं उसके अलावा कुछ वैल्यू डाल दिया, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, 2 डेज मंडे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी 1, अगर मैं 2 लिखूंगा या 5 लिखूंगा क्या आना चाहिए, फ्राइडे, तो जब यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा मैं वैसे होता रहेगा ये। मैं क्या डाला इसमें, ए डाला, इनके बाहर चला गया नहीं, ये पहले 1 था, अंदर गया, 1 देखा इसने सही है तो यहाँ अंदर आ गया, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया ये वाला। अगर 1 नहीं था, मान लो मैंने यहाँ 8 डाला, तो यहाँ देखा नहीं है, यहाँ देखा, यहाँ देखा, इसको 8 नहीं मिला, जब तक यहाँ नहीं मिला तो इसके बाद क्या, इसको एक ही कंडीशन मिली, अगर ये नहीं है तो सीधा यहाँ पे जंप कर जाए, तो क्या आ गया, इनवैलिड। अगर 9 डालोगे तो भी, देखो 1 to 7 डालोगे तो यही आएगा, उसके अलावा कुछ भी डालोगे तो ये बाहर फेंक देगा, कहाँ पे, एल्स वाले पे, कि अगर इनमें से है ठीक, नहीं है तो बाहर फेंक दे। और इसमें एक आता है प्रॉम्प्ट वाला आता है, देखते हैं इसमें अगर लिख दूं मैं प्रॉम्प्ट, एक तरह से इससे एक तुम्हारे पे इनपुट बॉक्स आ जाता है जिसमें वैल्यू खुद डाल सकते हैं, एंटर योर वैल्यूज, ठीक है, एक इसमें बॉक्स आ जाता है, अब हम इसमें ना 1, 2, 3, 4 डाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या बॉक्स आ जाता है, 1 डाला, एंटर करा, एक मिनट कहाँ गया, ये आ गया था, थोड़ा टाइम दे रहा, 3 डाला, वेस्ट है। अब क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश होने पे एक तुम्हें पूछ रहा है कौन सी वैल्यू चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, इनवैलिड। प्रॉम्प्ट का यूज़ किया, जो भी तुम इस पे लिखोगे वो प्रिंट होगा, वो बस एक इनपुट मांगेगा ये तुमसे प्रॉम्प्ट वाले में। और अलर्ट क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा ना डॉक्यूमेंट आउट राइट, इसके अगर मैं अलर्ट कर दूँ, अलर्ट लिख लेता हूँ, बाहर नीचे भी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब में हो गया अलर्ट। अलर्ट का मतलब पॉप अप आता है ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा पहले, देखो मैंने डाली 1, ये ऊपर ही आया, दिस टू डेज मंडे, ये होता है अलर्ट, वो क्या था प्रॉम्प्ट, मतलब ये ऊपर दिखा देगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों किया है, जैसे कुछ एरर आती है ऊपर दिखा देता है कि ये एरर है, तो उसके लिए अलर्ट यूज हुआ। अब फिर से ही आ जाएगा, मान लो मैंने डाल दिया 88 डाल दिया, 24 डाल दिया, एंटर करा, क्या इन्वैलिड, तो ये अलर्ट का काम ये है। प्रॉम्प्ट का काम क्या है, बॉक्स आएगा जिससे तुमसे वैल्यू मांगेगा कौन सी वैल्यू डाल दी,
तो अब तुम करके क्या लाओगे? तुम लाओगे जनवरी टू दिसंबर तक करके लाओगे भाई ये वाला कोड से, तो प्रॉम्प्ट यूज करोगे और साथ में अलर्ट करना चाहो अलर्ट कर सकते हो। तो भाई मुझे ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।